रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ गुड़ और ओट्स के लड्डू, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत बेहतरीन लड्डू बनके तैयार होते हैं। ओट्स और गुड़ के लड्डू बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने कढ़ाई गरम कर लिया है। अब हम इसमें एक चम्मच देसी घी ऐड करेंगे और इसे मेल्ट होने देंगे। देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे एक कप, और ये एक कप हमने पहले यहाँ रख रखा था। दो कप ओट्स लिया हमने और इसे अच्छे से एक से दो मिनट तक भून लेंगे इसे। मीडियम फ्लेम पे इसे एक से दो मिनट तक भून लेंगे। देखिए, ये दो से तीन मिनट तक इसे हमने अच्छे से भून लिया था। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने देंगे। हमने सेम उसी कढ़ाई में फिर एक चम्मच घी ऐड कर देंगे और इसे भी अच्छे से मेल्ट होने देंगे। देखिए घी मेल्ट हो गया है। अब हम इसमें काजू ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 25 काजू लिया है। काजू इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे हमने 25 ही हमने बादाम लिया है और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। आप अपने पसंद का और कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। इसे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। देखिए ये रोस्ट हो गया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो इसे हल्का दरदरा सा पीस लेंगे और ओट्स को भी पीस लेंगे। देखिए हमने ओट्स को पीस लिया है और बादाम को भी हमने यहाँ हल्का दरदरा सा पीस लिया है। अब हम सेम कढ़ाई में गुड़ ऐड करेंगे। हमने उसी कप से एक कप भर के गुड़ लिया है और इसे हमने छोटा छोटा टुकड़ों में तोड़ लिया है और इसे अब मेल्ट होने देंगे बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे। देखिए ये मेल्ट हो गया है गुड़। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और ये ओट्स को इसमें ऐड कर देते हैं और ये जो हमने बादाम पीसा था ये भी इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे। 1.5 टेबल स्पून है ये, आप कम या ज़्यादा ले सकते हैं। और इसे भी अच्छे से मिक्स करके अब इसका हम लड्डू बना लेंगे। देखिए घी ऐड करके हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये हल्का ठंडा भी हो गया है। अब हम इसे लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से सारे लड्डू बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, दूसरा भी लड्डू बना के दिखाते हैं। इस तरीके से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। देखिए हमने सारे लड्डू बना के तैयार कर लिया है और ये बहुत ही बेहतरीन लड्डू बन के तैयार हुआ है। और उसके लड्डू ये टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी बहुत होते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, फिर आऊँगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।